हेलो इंटीरियरप्रेन्योर्स, आई होप आप सब बहुत अमेजिंग हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि हम आपसे बातें करते रहते हैं एक पर्पज़ के साथ कि हर एक जर्नी अपने आप में एक लर्निंग है और आपकी लर्निंग आपके कलीग को, आपके साथ वाले को, इस कम्युनिटी मेंबर को कैसे हेल्प कर सकती है। लेकिन आज का जो सेशन है वो किसी मेंबर के साथ नहीं है, बल्कि द फाउंडर ऑफ मेंबर्स, द फाउंडर ऑफ दिस कम्युनिटी, उनके साथ है, धीरज जी के साथ है। अभी तक आपने देखा होगा कि हम मेंबर्स से बातें करते हैं कि आपकी लाइफ में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या इंसिडेंट हुए, कैसे मोटिवेट किया, सामने वाला पर्सन कैसे उससे हेल्प ले सकता है। लेकिन आज की जो बातें हैं, आज के जो क्वेश्चंस हैं, वो नॉर्मल नहीं हैं। वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमें अक्सर मिलते रहते हैं, इस इंडस्ट्री के लोग पूछते हैं, हमारे IPs पूछते हैं। और इन सारे क्वेश्चंस का जो कोर है वो ये है कि अगर ये बिज़नेस करना है तो कैसे करना है, क्या सही है, क्या सही टाइम है, कैसे करें, जॉब स्विच कैसे करें, सही टाइम कौन सा होगा, क्या तरीका हो सकता है। ये सारे सैलिएंट क्वेश्चंस, आपके क्वेश्चंस आज धीरज जी आंसर करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, सॉल्यूशन लेते हैं। सो लेट्स गो। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग हियर। आई नो कि आप कितने ज्यादा ऑक्यूपाइड होते हैं वीकेंड्स पे, लेकिन सिर्फ इस कम्युनिटी के लिए आप टाइम निकाल रहे हैं, उन सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं जो कि कभी कभी बहुत परेशान कर देता है मेंबर्स को कि करें या ना करें, करें तो कैसे करें, एक लेजिटिमेट आंसर नहीं मिल पाता। वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे सिर्फ कम्युनिटी के लिए एक्सक्लूसिव। अगर आप अलाउ करें मैं क्वेश्चंस पुट करता हूँ। यस सर, आप जरूर क्वेश्चन पुट अप करो। और थोड़ा सा क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपका थैंक यू करना चाहता हूँ। आप हमारे लिए इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं और बड़ी शिद्दत, बड़े प्यार से आप एक एक इंटीरियर पिनर्स को इंटरव्यू करते हैं, उनके बारे में समझते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन आप उनसे पुटअप करते हैं, जिससे कि जो ये वीडियोज, उनकी सक्सेस स्टोरी की वीडियोज जो भी व्यूअर सब्सक्राइबर्स देखेंगे तो उनके लिए बहुत वैल्यू क्रिएट होती है। तो ब्रिजेश जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू एक्नोलेज यू फॉर दी गुड वर्क, एंड एट द सेम टाइम आई वॉन्ट टू से थैंक यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। Yes, अब आप स्टार्ट करो क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन ये है सर कि एक राइट टाइम क्या होता है अपनी जो भी जॉब चल रही है, कोई IT में है, किसी कोई अलग डोमेन में चल रहा है, लेकिन यहाँ पे करने का मन है कि यार ये जो बिजनेस है बहुत सूदिंग सा लग रहा है, बहुत कमाल का लग रहा है, तो जॉब छोड़ के, जॉब स्विच करके इस बिजनेस में आने का सही टाइम क्या है, व्हाट इज द राइट टाइम। ओके, तो एक इंटीरियर डिजाइनर जॉब में है और वो बिजनेस में स्विच करना चाहता है और वो जानना चाहता है कि राइट टाइम क्या है, कि वो अपनी जॉब से बिजनेस में किस समय स्विच कर सकता है। तो इसका आपको बहुत सटीक आंसर दूंगा। और सबसे पहले वो आंसर को अप्लाई करने से पहले आप ये डिटरमाइन कीजिए कि आपको एक्सपीरियंस कितने साल का है। मैं समझता हूँ कि 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस मस्ट है जॉब से बिजनेस में स्विच करने के लिए। और इसके बाद आपने सिर्फ और सिर्फ एक बात पे फोकस करना है, अगर वो कंडीशन फुलफिल होती है तो ही आप जॉब से बिजनेस पे स्विच कीजिए, अदरवाइज नहीं कीजिए। तो वो कंडीशन है कि क्या कोई ऐसा रिसोर्स है जो आपको 12 महीने का अनइंटरप्टेड काम दे सकता है, चाहे उसमें पैसे बहुत ज्यादा मिल रहे हो या नहीं मिल रहे हो। अगर आपके पास कोई भी एक ऐसा रिसोर्स या सोर्स है जहां से 12 महीने अनइंटरप्टेड आपके पास काम आएगा, तो 12 महीने आप उस काम को करके और अपनी सेलिंग स्किल को सीख के अपने लिए बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऐसा रिसोर्स नहीं है तो होगा क्या, आप जल्दी से बी नेगेटिव हो जाएंगे, यानी बिजनेस नेगेटिव हो जाएंगे और बैक टू जॉब चले जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारी एक हैबिट पड़ चुकी है, सुबह उठ के ऑफिस जाना, 10 टास्क ऑफिस के करना, शाम को आना। अब बिजनेस आपके पास है नहीं स्टार्टिंग के दिन में और आप सुबह भी लेट उठने लगे हो तो घर वाले भी बोलेंगे और अंदर से आवाज आएगी, यार कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, ये तो मेरे साथ क्या हो रहा है। तो आप बिजनेस को एक नेगेटिव नजर से देखने लग जाएंगे और आप जल्दी से क्विट कर जाएंगे। तो इसलिए आपके पास 12 महीने का वर्क अरेंजमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 12 महीने की सैलरी इकट्ठे कर लो फिर जंप इन हो जाओ, उससे कुछ होने वाला है नहीं। आप काम से ऑक्यूपाइड रहें, बिजी रहें अपने ही काम से, तो वो आपको मोटिवेट भी करेगा, वो आपके दिमाग को खोलेगा भी और जॉब्स माइंडसेट से आप बिजनेस माइंडसेट में चेंज भी होंगे। ट्रू, ट्रू, वेरी ट्रू। सो राइट टाइम जो था, जो कि आपने बताया कि पहले तो भैया कई बार ऐसा होता है हमारा मन करता है
मन करा हमने छोड़ दिया और हम काम करने पे लग जाते हैं, सस्टेन नहीं कर पाते हैं, वापस से शुरू कर देते हैं, जहां थे वहीं पे खड़े हो जाते हैं, हमें लगता है कि हम फेल हो गए। तो क्या कोई स्पेशल या स्पेसिफिक माइंडसेट होना चाहिए? तो देखो, मैं माइंडसेट की बात करूं तो माइंडसेट ये होना चाहिए कि अभी हमने बिजनेस शुरू किया है तो हम पहले बिजनेस की ट्रेनिंग ले रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं। करेक्ट, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एजुकेशन पे इन्वेस्ट करोगे और टाइम दोगे तो बाद में आप ज्यादा कमाओगे। अगर आप डॉक्टर की पढ़ाई करते हो, इंजीनियर की पढ़ाई करते हो, सीए की पढ़ाई करते हो तो ज्यादा कमाते हो, परस्पर उसके जो 10वीं और 12वीं करके सिर्फ बिजनेस में लग जाता है जल्दी। तो जो आप स्किल शार्प करने में अपने आप को इन्वेस्ट कर रहे हो, अपने बिजनेस को भी आप पहले करते हो, सीखते हो, समझते हो, डे वन से पैसे नहीं कमाने लग जाते। जबकि जॉब में क्या है, मैंने ये काम कर दिया, मुझे इसके पैसे चाहिए। बिजनेसमैन ऐसे नहीं सोचता, ये माइंडसेट डिफरेंट है। वो तो सोचता है मैं लोगों को बना रहा हूँ, लोगों को डेवलप कर रहा हूँ, क्लाइंट के साथ रिलेशन बना रहा हूँ, आज नहीं तो कल मैं आगे बढ़ ही जाऊंगा। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो मैं समझाता हूँ अपनी क्लासेस में, VCP। पहले अपनी विजिबिलिटी बनाएं, फिर अच्छा काम करके दें, कम प्राइस पे करके दें, जिससे आपकी क्रेडिबिलिटी बनेगी दूसरे साल, फिर तीसरे साल आपका बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी पे आएगा। तो ये माइंडसेट, VCP माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। करेक्ट 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 सर। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट शुड बी टेकन केयर, मतलब इस बिजनेस में आने पहले ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें बहुत ध्यान रखनी चाहिए? तो देखो, अपना इंटीरियर बिजनेस शुरू करने से पहले आपको बड़े ही ध्यान से प्लानिंग करनी चाहिए, बड़े ही ध्यान से प्लानिंग करनी चाहिए। अब ये प्लानिंग कैसे करें, इसका एक सिस्टम है जिस सिस्टम का नाम है प्रोसामा, अच्छा, PROSAMA। ये वर्ड मेरा ही डिस्कवर करा हुआ है और ये तीन एलिमेंट का कॉम्बिनेशन है। प्रो माने नाइस, प्रॉफिट, पहले सोचो कि मैं अपना बिजनेस करने वाला हूं तो मैं कितना प्रॉफिट कमाऊंगा। अगर मुझे मेरी करेक्ट, सैलरी से कम बच रहा है, बहुत लंबे टाइम तक कम बच रहा है, तो उस बिजनेस करने का फायदा नहीं है। तो हमें अपने बिजनेस के प्रॉफिट प्लान करने होते हैं, 1 साल के लिए नहीं, 2 साल के लिए नहीं, 3 साल के लिए नहीं, 4 साल के लिए नहीं, बल्कि 5 साल के। तो 5 साल के बिजनेस प्रॉफिट हम इन रिटर्न में लिखेंगे। हो सकता है हमें पहले साल अपनी सैलरी से कम मिल रहा हो और हम भ्रमित होकर बिजनेस शुरू ही ना करें, तो हमें 5 साल के प्रॉफिट प्लानिंग करनी होती है। दूसरा एब्रीवेशन है सा, SA, विच स्टैंड फॉर सेल्स। तो आपको ये सोचना होगा कि मैं ये 5 साल का प्रॉफिट लाऊंगा कहाँ से, जब तक कि मैं सेल्स ही नहीं करूंगा। तो इंटीरियर डिजाइनर को डिजाइन से फोकस हटा करके सेलिंग पे फोकस लाना पड़ेगा और उसको बनानी पड़ेगी पहले साल की सेल्स स्ट्रेटजी कि मैं इतने क्लाइंट लाऊंगा तब जाके मैं इतना प्रॉफिट ला पाऊंगा और सस्टेन कर पाऊंगा। उस सेल्स स्ट्रेटजी को उसको डिवाइड करना पड़ेगा 12 से, ताकि उसके पास उसके मंथली सेल्स गोल आ जाएं। अब इसके बाद आज उसको जाना पड़ेगा तीसरे स्टेप पे, जिसका नाम है मा। मा स्टैंड फॉर मार्केटिंग। मार्केटिंग वाह, की से स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि अगर मुझे एक एक्स अमाउंट ऑफ क्लाइंट चाहिए 1 महीने के अंदर, तो मुझे किस तरीके की मार्केटिंग स्ट्रेटजी लगानी पड़ेगी। ये तीन टूल, ये तीन औजारों के बिना, अगर आप प्लानिंग करे बिना अपना बिजनेस शुरू करते हैं तो बहुत गड़बड़ में फंस सकते हैं। मैं एक बार रिपीट करके बता देता हूं, प्रोसामा, प्रॉफिट, सेल्स एंड मार्केटिंग। यस यस। तो किसी भी न्यूबी के लिए अगर इस इंडस्ट्री में आना है, इस बिजनेस में आना है, तो एक रूल है जो कि रूल मेकर हमारे सामने बैठे हैं धीरज जी ने बताया कि प्रो साम। तो अगर प्रॉफिट सेल्स एंड मार्केटिंग अगर आप नहीं सोच सकते तो शायद ये सही टाइम नहीं है आपको इस जगह पे कदम रखने के लिए। अगर आप प्लान कर पा रहे हैं सबसे पहले आप प्लान करिए प्रो साम। So, अगला क्वेश्चन है कि एक अर्ली एडवाइस आप क्या देना चाहेंगे जब इंसान या एक मेंबर, एक हमारी कम्युनिटी का मेंबर अगर जॉब में है, स्विच करना है, एक अर्ली एडवाइस क्या देना चाहेंगे एक्सपीरियंस के बिना? तो देखो, होता क्या है, अधिकतर किसी इंटीरियर डिजाइनर को जॉब से बिजनेस में जाना है ना, सबसे पहले वो अपना सोशल मीडिया पेज बनाते हैं, उस पर हाँ लगा जी, हुआ है, पोस्टिंग डाले जा रहा है, पोस्टिंग डाले जा रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको काम करना चाहिए अपने स्किल सेट पे। ये मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है, आपको स्किल सेट पे काम करना चाहिए।
अब स्किल से एक इंटीरियर डिजाइनर क्या समझता है, वो समझता है बस मैं ड्राइंग बनाऊंगा, सॉफ्टवेयर की नॉलेज ले लूंगा, ऑटो कैड की नॉलेज ले लूंगा, 3ds Max ले लूंगा तो काम चल जाएगा। नहीं, सबसे पहले ना आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आप जॉब से बिजनेस में जा रहे हो जहां लोगों को जोड़ना है, लोगों को समझना है, लोगों की प्रॉब्लम को हल करना है, तो कम्युनिकेशन स्किल पे ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद आपको सेलिंग स्किल्स ध्यान पे ध्यान देना पड़ेगा। जितने भी इंटीरियर डिजाइनर जॉब करते हैं, क्लाइंट से इंटरेक्ट ही नहीं करना चाहते, अपने बॉस से कहते हैं सर आप बात कर लेना, आप बात कर लेना, सर आप देखो क्लाइंट आ गया, आप मैनेज करो। तो जब तक वो क्लाइंट को फेस नहीं करेंगे तो सेलिंग स्किल कैसे इंप्रूव होगी। और तीसरा इंपॉर्टेंट स्किल है पीपल हैंडलिंग स्किल, लोगों को हैंडल करने की कला आपको एक सक्सेसफुल इंटीरियर बिजनेसमैन बनने के लिए आनी ही चाहिए। भाई लोगों से ही तो पैसे मिलते हैं, अगर आप पीपल को ढंग से हैंडल नहीं कर सकते, क्लाइंट को हैंडल नहीं कर सकते, वेंडर को हैंडल नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्टर्स को हैंडल नहीं कर सकते, तो बिजनेस कैसे करोगे। तो जॉब छोड़ने से पहले आपको ये तीन स्किल्स पे काम करना चाहिए अपने ट्रेड के एक्सपीरियंस के अलावा। नाइस सर एक चीज, लोग जॉब छोड़ते हैं तो कई बहुत लेजिटिमेट क्वेश्चन, हाउ टू क्विट द जॉब, ये कैसे छोड़नी चाहिए? तो देखो सारे ही तरीके सही हैं, सारे ही तरीके सही हैं अगर कोई भी इंटीरियर डिजाइनर कोई भी तरीका अपना रहा है, लेकिन मैं उन तरीकों के बारे में आपके माध्यम से आज डिस्कस करना चाहता हूँ और ये मैसेज अपना पहुंचाना चाहता हूँ कि उसमें से बेस्ट ऑफ द बेस्ट तरीका कौन सा है अगर आपने जॉब से बिजनेस में आना है। तो देखो पहला तरीका क्या है, आजकल एक इंटीरियर डिजाइनर कैसे जॉब छोड़ता है, 80% इंटीरियर डिजाइनर इसी तरीके से जॉब छोड़ के अपना बिजनेस शुरू करते हैं। और आप स्टैट उठा करके देखो 80% इंटीरियर डिजाइनर ही फेल होते हैं अपने बिजनेस में, वो इसलिए फेल होते हैं कि वो गलत तरीके से जॉब छोड़ते हैं। इस जॉब छोड़ने के मेथड को मैं बताता हूं, ट्रेंडिंग मेथड, ट्रेंडिंग मेथड। इस मेथड का ना एक और बात है, ब्यूटी है, जो सब इस मेथड से अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि ये ना इजीएस्ट मेथड है। बॉस का फोन उठाना बंद कर दो, काम खराब कर दो, बहाना मार दो कोई भी, सर मेरे साथ ये हो गया वो हो गया, मेरे एग्जाम आ गए, मेरी दादी एक्सपायर हो गई, मेरे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया, और काम में इंटरेस्ट लेना बंद कर दो, नौकरी छोड़ दो। तो ऐसा छोड़ करने से काम बनता नहीं है। सेकंड मेथड जो 16% लोग इस्तेमाल करते हैं, ये आपको आंकड़े बता रहा हूँ, जो लोग आके अपना दर्द मुझे बताते हैं, इंटीरियर डिजाइनर जिन्होंने जॉब छोड़ी, जो 16% लोग करते हैं, इसको बोलते हैं चलाक मेथड, द क्लेवर मेथड। कुछ लोग इसको चाणक्य नीति भी बोलते हैं, कुछ इंटीरियर डिजाइनर चाणक्य नीति भी बोलते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि जॉब के साथ साथ आप अपना बिजनेस शुरू कर लो, जॉब के साथ अपना बिजनेस शुरू कर दो, और दोनों में अपने एनर्जी और एफर्ट मारो और देखो जो आपको अच्छा लगता है फिर उस पर चले जाओ। अब होता क्या है, ना तो वो जॉब कर पाते हैं ना बिजनेस ढंग से कर पाते हैं, बिजनेस के लिए टाइम चाहिए, दिन में ऑफिस में सोएंगे तो बॉस कहेगा, तो ना वो जॉब अच्छी तरह से कर पाते हैं ना टाइम अच्छी तरह, ना बिजनेस को अच्छी तरीके से टाइम दे पाते हैं। एक इंटीरियर डिजाइनर मेरा जानकार 10 साल से यही करता आ रहा है, उसे कभी लगता है कि फ्रीलांसिंग काम करूं, कभी लगता है नहीं करूं, कंफ्यूज है ना, उसको जॉब में प्रमोशन मिल पा रही है ना वो अपना काम आगे बढ़ा पा रहा है, क्योंकि जब तक वो दो नाव पे सवार रहेगा तब तक उसे गिरने का डर ही रहेगा और एक दिन वो गिर ही जाएगा। अब बात करते हैं तीसरा मेथड, आइडियल मेथड क्या है। ये 4% इंटीरियर डिजाइनर इस मेथड को एडॉप्ट करते हैं, और ये 4% वो इंटीरियर डिजाइनर है जो अपने धंधे में 5 साल से ज्यादा टिक पाते हैं, यानी पहले 5 साल में जो ऊपर वाले 80% और 16% थे वो नहीं बिजनेस में सस्टेन कर पाएंगे। ये होता है आइडियल मेथड। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने बॉस को इन्फॉर्म करना है कि सर मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैंने आपसे काफी कुछ सीख लिया। अगर आपको याद हो आपने इंटरव्यू लिया था विपुल जी का हमारे ही चैनल पे, और विपुल सर ने आपको बताया था कि उन्होंने अपने बॉस को वादा किया था कि अगर आप मुझे अपने साथ काम करने की अपॉर्चुनिटी दोगे, जब विपुल सर फ्रेशर थे, तो मैं आपको रॉयल्टी दूंगा, यानी जब तक आप नहीं कहोगे मैं आपके दफ्तर से जाने वाला नहीं हूँ, यही बात सुन के उनके बॉस ने उनको रखा था। और एक दिन उनके बॉस ने उनको खुद ही बोला कि विपुल आप अब बहुत सक्षम हो, बहुत अच्छा काम करते हो, यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस नाउ। तो आइडियल मेथड यही है, हमें अपने बॉस को ना अपना बिजनेस मेंटर बनाना है, तो बॉस को बोलना है सर हम अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और जॉब छोड़ना चाहते हैं, अब आप बताओ कब छोड़ें।
1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, हमें कोई जल्दी नहीं है, बट हमें अल्टीमेटली करना अपना बिजनेस है, हम भी लोगों की सेवा करना चाहते हैं, एक मिशन और विजन आपकी तरह क्रिएट करना चाहते हैं। तो होगा क्या, अगर बॉस आपको देखेगा हाँ भाई ये एयर बबल नहीं है, बंदा सच्ची में डेडिकेटेड है, तो वो आपको अपना बिजनेस भी आउटसोर्स करना शुरू कर देगा, और हो सकता है आपका बॉस ही वो पहला मेंबर हो आपके बिजनेस के लिए जो आपको 12 महीने काम देने की एश्योरेंस दे दे, फिर क्या है आपका सफर अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर हम अपने बॉस को ही चीट करके बिजनेस शुरू करते हैं और ऐसा सोचेंगे कि हमारा बॉस हमारे से चिढ़ जाएगा अगर हम उसे अपने बिजनेस के बारे में बताएंगे, तो वो बहुत गलत हो जाएगा। वो पहली सीढ़ी जो आपको हेल्प कर सकती है बिजनेस करने में, आप उसी को अपने एंगेज्ड बना लोगे। करेक्ट सर, करेक्ट, वेरी ट्रू। छोटी सी बात है, जहां पे स्पेंड करते हो वही लोग आपको बेहतर समझते हैं। और अगर आपके बॉस को आप में स्पार्क दिख रहा है तो ऑब्वियस सी बात है आपको हेल्प। और इसमें मैं एक डीप इनसाइड और बताना चाहता हूँ कि आप तो उसको सच बता रहे हो, आप उसको हेल्प भी कर रहे हो। क्या होता है अगर आपका बॉस आपको हेल्प नहीं करता, तो कोई और हेल्प करेगा, ईश्वर देख रहा है, आपने तो बुरा नहीं करा ना, आप तो धोखे से नौकरी छोड़ के नहीं गए, आपने उसको सपोर्ट किया। हो सकता है उसके आपके बॉस के अंदर इतनी बुद्धि नहीं हो या उसका माइंडसेट ऐसा नहीं हो, वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, वैसे तो बहुत कम चांस होता है ऐसा होने का। अगर वो सपोर्ट नहीं कर रहा तो वो कोई ना कोई और आपको सपोर्ट करेगा। ये एक लाइफ की साइकिल है, हम जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं। वेरी ट्रू, ऐसा ही होता है, कर्मा बॉक्स। यस, कर्मा बॉक्स। ओके सो, एक बहुत मेरे ख्याल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है, लोग आपसे पूछते रहते होंगे, कम्युनिटी पूछते रहते होंगे, सोशल मीडिया मैंने बहुत देखा है, और क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट दिस बिजनेस। सही टाइम कौन सा यार, ये आज 12 बजे से, 2 बजे से, या 1 महीने बाद से, वो सही टाइम कौन सा होगा? तो ब्रिजेश जी, मैं आपको बिल्कुल सही टाइम बताने वाला हूँ। अब मुझे आप बताओ कि इस समय क्या टाइम हुआ है? सर इस समय 4:03 हो रहे हैं। ओके, और आज डेट कौन सी है? आज है 2 अप्रैल। सो द राइट टाइम टू स्टार्ट योर बिजनेस इज नाउ। अगर आपने अपना इंटीरियर का बिजनेस शुरू करना है तो सही टाइम आज का ही है। अब जरा आपने दिमाग में एक बात सोच के देखो कि आज से पहले कभी टेक्नोलॉजी इतनी फ्रेंडली थी आपके पास, आज आप एक बटन से कितने भी पैसे किसी भी क्लाइंट से ले सकते हो, कितने भी पैसे किसी वेंडर को दे सकते हो। आज से बेहतर लीड जनरेशन यानी क्लाइंट एक्वायर करना आज से बेहतर और इजी कभी भी नहीं था। आज एक लीड जनरेट करना इतना इजी और इतना कॉस्ट इफेक्टिव है जो पहले पास्ट में कभी नहीं था। तो सही टाइम बिजनेस का शुरू करना अब है। और अगर आपको अपने इंटीरियर बिजनेस शुरू करने में कोई भी चैलेंज आता है, कोई भी परेशानी आती है, या इंटीरियर बिजनेस को ग्रो करने में कोई भी चैलेंज और परेशानी आती है, तो आप हमारी सिग्नेचर डेमो क्लास इंटीरियर बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं सिर्फ 299 में। हम एवरी मंथ ये डेमो क्लास कंडक्ट कराते हैं। ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच सर, ये बड़े कॉमन क्वेश्चंस और बहुत लेजिटिमेट क्वेश्चंस थे। इनके आंसर्स जब एक ऐसे सोर्स से आते हैं ना जहां लोग ट्रस्ट कर रहे होते हैं, उनको मूव करने में आसानी होती है। ज्ञान तो हर जगह बट रहा है, एक कौन रहा है ये बड़ा इम्पोर्टेंट। सो ब्रिजेश जी, थैंक यू, आज मुझे आपने इंटरव्यू किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जाते जाते अपने सभी सब्सक्राइबर और व्यूअर्स से ये कहना चाहूंगा कि जो भी बातें हमने शेयर करी हैं आपसे, आप इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए, और आपको कोई भी चैलेंज आता है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसको डाल सकते हैं। और अगर आप अपने इंटीरियर बिजनेस को सुपर सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो सक्सेसफुली सब्सक्राइब कर लीजिए इंटीरियर प्रिनर सक्सेस एकेडमी को, ताकि आपको सक्सेस भरी नोटिफिकेशन सक्सेसफुली आती रहे। तो दोस्तों, जल्दी मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।